हुण दूसरी वार गुरु नानक साहिब महाराज सैदपुर की धरती ते गए और इस समय दौरान बाबर ने भारत के उपर हमला किया। बाबर जिहड़ा काबल का बादशाह सी 1483 दे विच इस बाबर का जन्म होया और इहदा इतिहास दे विच पूरा नाम जहीरोद्दीन मुहम्मद बाबर बेग आया है। इस जहीरोद्दीन मुहम्मद बाबर बेग ने भारत के उपर कई हमले किए। पहला हमला उन्हें 1519 दे विच कीता और ये जो गुरु नानक साहिब महाराज जी 1521 दे विच सैदपुर की धरती ते गए ने और उस वक्त भी बाबर ने हमला किया। वैसे भारत दे विच मुसलमानां दे हमले जिहड़े है वह 712 ईस्वी तो शुरू हुए। पहली बार मुहम्मद बिन कासब ने भारत दे उपर हमला किया, दुनिया नूं लुटिया। इस तरह के नाल एक तो एक वो जिहड़ा मुसलमानां दा कोई ना कोई जरनैल भारत दे उपर हमला करन वास्ते आउंदा रहा। इत्थे गजनवी वर्गिया ने बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे करके गए। इत्थे वड्डे वड्डे सोमनाथ वर्गे मंदिर जिहड़े वो लुटे गए, सोने दीयां मूर्तियां लुटियां गईयां। पर ऐसा कोई भी भारत दे विच कोई मर्द नहीं है जिहड़ा उन्हां मुगलां दा उन्हां मुसलमानां दा मुकाबला कर सके, उन्हां लुटेरियां दे नाल टक्कर लै सके। ये पहली बार होया कि 712 तो हमले होने शुरू हुए। पहली बार 1521 दे विच जदो बाबर चढ़ के आया तो भारत दे विचों कोई सच की आवाज़ निकली हो, वो सच की आवाज़ बुलंद करन वाला कौन है? डॉक्टर मुहम्मद इकबाल कहिंदे, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। पहली बार इस सुती हुई जनता नू किसे ने जगाया ते ओ जगाउन वाले गुरु नानक साहिब महाराज जी सन, जिन्हां ने सिंह बुक्कै मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ, जिहड़े गुरु नानक साहिब महाराज शेर की तरह गरजे सन। बाबर ने ऐमनाबाद की धरती के उपर हमला किया। वैसे वो जिहड़े ऐमनाबाद के लोग सन वह भी ऐशो इशरत दे विच पए हुए सन। उन्होंने अपने फर्ज नू भुला दिता सी, वह अपनी गरीब प्रजा के उपर जुल्म कर रहे सन, दिन रात नशियां दे विच पै के गलतान हो चुके सन। जिहड़े केवल रंग रलियां मनाउण दे विच अपने जीवन नू गुजारदे पए सन, गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे ने इन्हां दे वी कीते हुए पापां दा फल भुगताउण वास्ते मन लो बाबर जिहड़ा है वह जमराज बन के आउंदा पिया है। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने मुबारक बोल भी कहे, गुरदेव कहिंदे, जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जांजलै काबलों ताया, जोरी मंगै दान वे लालो। सतगुरु कहिंदे पाप की जंज लै के आ रहा है, मान लो पाप की जंज का लाड़ा बन के बाबर आउंदा पिया है। जदों बाबर आया तो जिहड़े भारत के लोग सन इन्हां ने की किया, बाबर जिहड़ा वह मुगल है, वह मुगल चढ़ के आ रहा है, इत्थों दे लोग जिहड़े सानू पठान सन है दोवें मुसलमान, तो इन्हां ने की किया, इन्होंने ऐसे कर्मकांड वहम भरम पखंडा विच पए हुए लोगों ने की किया, अपने घर के बाहर का उस वक्त धार्मिक पीरां नू बिठा दिता कि पीर जिहड़े आ इत्थे बैठ के मंत्र पढ़नगे। तो जदों पीरां ने मंत्र पढ़ने हैं तो बाबर वर्दियां फौजां जिहड़ियां मुगलां दियां फौजां जिहड़ियां वह अन्नियां हो जाणगियां, वह साडा कुछ नहीं विगाड़ सकणगियां। अन्नियां होईयां फौजां जिहड़ियां वापस चले जाणगियां। इत्थों तक कहन लगे, कहिंदे बाबर ने सानू की लुटना, असी बाबर दीयां फौजां नू लुट लैणा क्यों, इदां दे मंत्र पढ़ने आ। मैनू खिमा करिओ जे, मंत्रां दे नाल कदे युद्ध नहीं जित्ते जा सकदे। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने फिर अपनी पवित्र गुरबाणी राही ये मुबारक बोल कहे, सतगुरु कहिंदे ने कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। मीर दा भाव है बादशाह, बादशाह भाव बाबर। जदों पता लगा कि बाबर बादशाह चढ़ के आ रहा है, गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे इत्थों दे लोकां ने करोड़ां पीर मनाए, करोड़ां बेनतियां कीतियां, ते जिहड़े उस वक्त दे ब्राह्मण सन क्षत्रिय सन उन्होंने हवन इत्यादिक किते, पठाणा ने पीर फकीर मनाए। सतगुरु कहिंदे करोड़ां पीर मनाए गए, उन्हां दे कोलों मंत्र भी बड़े पढ़वाए गए,
पर होया कि थान मुकाम जले बिज मंदर मुश मुश कोयर लाया कोई मुगल ना होआ अंदा किने ना परचा लाया। बाबर दिया फौजा ने आण के उन्होंने सारिया नू अग ला ला के साड़ दिता। उत्थे की बादशाह की राजे ते की राजियां दे पुत्र ते की उन्हां दे परिवार ते केड़ी प्रजा जेड़ा उन्हां दे अगे आया किसे नू बख्शिया नहीं गया। उन्हां नू तेग दे धार जेड़ा ओ उस वक्त नगा दिता गया। वड्डे वड्डे जेड़े महल माड़ियां सन साड़ दिते गए। ते गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे ने कोई मुगल ना होआ अंधा, ना कोई मंत्र पढ़न दे नाल कोई मुगल अन्ना होया, ना किसी ने रखिया कीती कोई मुगल ना होआ अंधा किन्ने ना परचा लाया, ना किसी ने रखिया कीती ना किसी ने बचा कीते, बल्कि मुगलां दे सिपाहियां ने घरां दे विच वड़ वड़ के लोकां नू मारिया। जेड़े राजे जिन्हां दा फर्ज बनदा सी कि वह तेग लैके रण मैदान विच जाके जूझदे, पर सतगुरु कहिंदे उह जूझदे किवें, उह ते ऐशो इशरत विच पए होए सन, उह ते शाहां सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाए, वह तो दिन रात रंग तमाशे में लगे हुए सन, उन्होंने सुरतों से नशे पीण विच गलतान से ऐशो इशरत दे विच गलतान सन। महाराज कहिंदे ने जदो रण मैदान दे विच युद्ध होया, उस युद्ध दे विच एक पासे मुगल है तो दूजे पासे पठान है, मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई। कहिंदे एक पासे मुगल है एक पासे सतगुरु कहिंदे पठान है, दोवां दा जदों युद्ध हुंदा पिया है ते सतगुरु कहिंदे ने उन्नी तुबक तीर चलाई उन्नी हस्त चढ़ाई, मुगलां दे कोल चलाउण वास्ते वड्डियां वड्डियां तोपां ने, मुगलां दे कोल चलाउण वास्ते चंगियां तो चंगियां रफलां ने। महाराज कहिंदे उन्नी हस्त चढ़ाई ते जिहड़े भारत दे पठान जां छत्रीय लोक सन जिन्हां ने कदे शस्त्रां दा अभ्यास ही नहीं कीता, जिन्हां ने कदे अपनियां रफलां नूं चलाउण दा अभ्यास ही नहीं कीता, जिन्हां ने कदे अपनियां रफलां नूं साफ ही नहीं कीता, उन्हां दीआं बंदूकां हत्थां दे विच चिड़चिड़ करदीआं रह गईआं ते मुगलां ने एक एक निशाना ला ला के लोकां नूं मारिया। महाराज कहिंदे असल हार दा कारण की कारण, महाराज कहिंदे भारत दे लोक हारे की कारण, इन्हां ने कदे शस्त्रां दा अभ्यास ही नहीं कीता। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज राज जोगी ने, वह राजियां दे राजे जोगियां दे जोगी, तां ही भट्टां ने कहा सी कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। सतगुरु ने यह भी दसिया कि हार दा कारण की रहा है। महाराज कहिंदे ने कि उन्हां दे कोल चंगियां तो चंगियां बंदूकां ने ते उन्हां दे कोल कुछ भी नहीं, उन्हां दीआं भारत दे लोकां दीआं बंदूकां हत्थां दे विच ही चलदियां गईआं तां हार गए। सतगुरु कहिंदे होया कि, महाराज ने फिर पावन पवित्र बचन कह, सतगुरु कहिंदे बाबर आया चढ़ के खुरासान खुशमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोष ना देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया। महाराज कहिंदे भारत दे लोकां नू मुगलां ने बुरे तरीके दे नाल मारिया, फिर घरां चों कढ कढ के जदों इत्थों दे लोक हार गए, घरां चों कढ कढ के उन्हां नू मारिया गया, केसां तों पकड़ पकड़ के इस्तरियां नू घड़ीसिया गया, उन्होंने आगां ला ला के साड़ दिता। ते गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे सच पता की है, गुरदेव कहिंदे जे दोवें ताकतवर आपस में लड़दे पए होण ते सतगुरु कहिंदे मैनू कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि दोवें ताकतवर है, पर सतगुरु कहिंदे जदों शेर भेडां दे वग दे उपर आण के गऊआं दे वग उपर आण के टुट के पै गया ते ओह गऊआं विचारियां की कर सकदियां। सतगुरु कहिंदे ओह मुगलां दे सिपाही शेरां दी तरह ते ये जिहड़े लोग सन ये गावां दी तरह। सतगुरु कहिंदे जे शक्ता शक्ते को मारे तां मन रोस ना होई, जे दोवें इक्को जे होण ते मेरे मन विच कोई रोस नहीं है। पर सतगुरु कहिंदे ये विचारे इत्थों दे लोग जिहड़े सन ये गरीब, इत्थों दे लोग गावां दी तरह ते ओह शेरां दी तरह। बाबर नूं भी सतगुरु ने एक गल कही, सतगुरु कहिंदे मता कोई होमे हंकार विच आण के अपनी ताकत दा हंकार करी बैठा होवे, रब दे घर विच जे को नाओ धराए वड्डा साध करे मन भाणे। सतगुरु कहिंदे उहदी किन्नी क कीमत है जिहड़ा अपने अपना वड्डा नाम रखाउंदा है। सतगुरु कहिंदे खसमै नदरी कीड़ा आवै जितै चुगे दाणे,
रब की निगाह दे विच ते ओ कीड़े दे बराबर है, कीड़े तो वध ते कुछ भी नहीं। ते उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी ने इत्थों दे लोकां दी जिहड़ी दशा होई उहनूं बयान करदिआं कहा, मेरे गुरदेव पिता जी कहिंदे ने जिहड़ियां इस्त्रियां घर दे विच बैठियां सन, शेजां दे उपर बैठदियां सन, जिहड़ियां कदे लागे पिया पाणी भी चुक के नहीं सी पींदियां ते पाणी भी उहनां नूं नौकर चाकर पियाया करदे सी, जिहड़ियां दिन रात अपने चेहरियां नूं सवारन ते लगियां रहिंदियां सी, जिहड़ियां चंगे तो चंगे चीर कढ़दियां सी ते चीर कढ के अपने केसां दे विच संधूर पा के सुहागना बन के बैठियां सी, मुगलां दे सिपाहियां ने इदां दी दशा कर दित्ती। गुरदेव कहिंदे ने जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन, गल विच आवै धूड़। महाराज कहिंदे ने जिहड़ियां केवल चीर सवारदियां रहियां उहनां नूं राम मुगलां ने इदां करके मुन के रख दित्ता। मुनण दा भाव जिहदा सनातन धर्म दे विच जिहदा पति चढ़ाई कर जावे उह स्त्री नूं मुन दित्ता जांदा है। महाराज कहिंदे उहनां दे पति मारे गए, ते सच है सतगुरु ने यह भी कहा। गुरदेव कहिंदे जिन के बंके घरी ना आया, तिन क्यों रहण वहाणी। उह जिहड़ियां इस्त्रियां दे पति उस युद्ध दे विच उस घमसाण दे विच मारे गए, रात नूं घर ही नहीं आए, सतगुरु कहिंदे उहनां नूं चैन कित्थे, उहनां नूं टका कित्थे है। सतगुरु ने जिक्र किया, महाराज कहिंदे ये सारा कुछ क्यों होया, मेरे गुरदेव कहिंदे ये इत्थों दे लोक हारे क्यों, हार दा कारण। महाराज कहिंदे असल विच धन जोबण दोए वैरी होए, ये जिहड़ा मनुख दे कोल धन भी सी जोबण जवानी भी सी, वह धन दे करके जोबण विच पए हुए रंग रलियां मनाउंदे रहे, उन्होंने कदे कोई तैयारी ओ नहीं की। सतगुरु कहिंदे तां करके हारे, तां करके उन्हां दी ये दुर्दशा हुई। मेरे गुरदेव कहिंदे धन जोबण दोए वैरी होए, रखे रंग लाए। महाराज कहिंदे रंग तमाशियां विच ही उलझे रह गए, शाहां सुरत गवाइयां रंग तमाशे च आए, राजियां दीयां सुरतां भी रंग तमाशियां च लगियां रहियां। ते सतगुरु एक सुचेत करन वास्ते गल कहिंदे ने, गुरदेव कहिंदे अगों दे जे चेतिए तां कायत मिले सजाए, जे मनुख पहला चेता करे, मनुख पहल करे, पहला तुरे, फिर कादे वास्ते उहनूं सज़ा मिले। हे सिख जगत, गुरु नानक साहब महाराज सानू भी कह रहे, सिखा आने वाले समय का चेता कर, जे तू पहला चेतन होएगा तेनू सज़ा नहीं मिल सकती। पर मैनू खिमा कर दिओ, सिखा ने भी अपने इतिहास तो कुछ भी नहीं सीखिया, तां करके अज भी उदा का उदा ही भटकता पाया। जे सीखिया हो दोबारा कदे सज़ा ना मिले। सतगुरु कहिंदे अगों दे जे चेतिए तां कायत मिले सजाए, जे पहला चेता कीता होवे फिर सज़ा नहीं मिलती। पर गुरदेव कहिंदे बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। जिथे बाबर दे सिपाहियां ने कतलेआम किया, उत्थे ते वड्डे वड्डे जिहड़े राजिआं दे पुत्तर सी उहनां नूं भी रोटियां नसीब नहीं होईआं। चारे पासे लाशां दे ढेर लगे हुए सन, जिहनूं सतगुरु ने कहा मासपुरी, भाव मासां दे उत्थे ढेर लगे हुए सन। चारे पासे उत्थे चीक चहाड़ा मचिआ होया सी, अग्गां दे नाल उत्थे घर जिहड़े सड़दे पए सन, गलियां दे विच लाशां रुलदियां पईआं सन। की बजुर्ग, की न्याणे, की बच्चे, की जवान, जिहड़े कोई माड़े मोटे बच गए वह बाबर दे सिपाहियां ने कैद कर ले। कैद करके उन्हां नूं आरजी तौर दे उपर इक जेल बनाई गई, उस जेल दे विच लिजा के कैद किया गया। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कैद नहीं किया गया, पर सतगुरु ने दुखियां दा दर्द वंडाउण वास्ते, बाबर नूं सच दसण वास्ते, ते इह प्रजा दी होई दुरदशा इन्हां नूं भी सच समझाउण वास्ते सतगुरु साहब आप उन्हां कैदियां दे विच जा के शामिल हो गए। जदों शामिल होए, बाबर दे सारे जिहड़े कैद किए हुए लोग सन उन्हां दे विच गुरु नानक साहब महाराज ते नाल भाई मरदाना जी, जिहड़े लोग रब नूं बड़ा बुरा भला कह रहे सन, जिहड़े लोग बाबर नूं बुरा भला कह रहे सन। ते उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज नूं भाई मरदाना जी कहिंदे बाबा जिथे भी सच की गल होवे उत्थे पहला गुरु नानक साहब बोलदे है, अज की गल आ जी इन्ना कतलेआम वेख के गुरु नानक साहब महाराज बोलदे क्यों नहीं। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे अजे समा नहीं आया। मरदाना कहन लग्या महाराज कदों आना समा, सतगुरु कहिंदे आएगा जिस वक्त जेल दे विच कैद किया गया। गुरु नानक साहब महाराज जी दे गुणा की महक जदों दूर तक खिलरी,
सतगुरु ने जो कीर्तन के राही शैबर लाई तो सिपाहियों ने जाके दौड़ के बाबर नूं दसिया बाबर तेरे उस कतलेआम दे विच तेरे उन्हां कैदियों दे विच एक फकीर पकड़िया गया है। वह तो ऐसी सुरीली आवाज़ नाल गाउंदा पिया है, वेख किते उस फकीर दे कोलों कोई अनर्थ ना हो जाए, किते कोई शराफ ना दे दे। तो उस वक्त बाबर ने कहा बुलाया जाए, बुलाओ उस फकीर नूं। गुरु नानक साहब महाराज नूं बुलाउण वास्ते आए। गुरु बाबे नूं कहा कि फकीर तैनूं बादशाह ने सद्या है। महाराज कहन लगे, कहिंदे मैनूं बादशाह दी लोड़ कोई नहीं, जे बादशाह नूं लोड़ है तो वह चल के मेरे कोल आ जाए। जदों ये गल बाबर ने सुनी, बाबर हैरान रह गया, कहिंदा इन्नी बहादुरी जां ते कोई रब तक पहुंचिया होया फकीर कर सकता है, जां कोई सूरमा कर सकता है, पर बाबर कौन दसे तैनूं कोई फकीर जां सूरमा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज सूरमा भी है, तो गुरु नानक साहब महाराज फकीर भी है, वह राजे भी है, वह जोगी भी है। गुरु नानक साहब महाराज जी सूरमिया के सूरमे, तो जोगियों के जोगी। जिस वक्त बाबर नूं ये गल सुनी, बाबर दौड़िया जेल वाले पासे नूं, उन्हें आया गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल आया, बाबा कीर्तन दे विच जुड़िया होया। सारे लोग उठ के बाबर नूं सलाम करन लगे। जदों सारे उठे, भाई मरदाना जी उठन लगे, गुरु नानक साहब महाराज ने गोडे तो पकड़ के नप लिया, कहन लगे, कहिंदे बैठ। मरदाना कहन लगे, महाराज बादशाह आया, सारे लोग झुक के सलाम करदे है। सतगुरु कहन लगे, यही तो सिखाउण वास्ते आया। ये लोग पिठ दे पिछे गल्लां करदे सी, पिठ दे पिछे गालां करदे सी, मैं पिठ दे पिछे नहीं मूँह ते कहना, बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है, असल विच तू लोकां ते जुल्म करदा पिया है, तू जुल्म कर रहा है लोकां दे उपर। महाराज ने उन्हू समझाया, गुरदेव कहिंदे आ गरीब प्रजा इन्हां दा की कसूर है, जे तेरे कोल ताकत है, ताकत दी योग वरतों करनी ते बनदी है, पर ताकत अपनी गरीबां दे उपर, गरीबां नूं मार देना, कतलेआम कर देना, एक किधर दा न्याय है। सतगुरु उत्थों दी प्रजा नूं वी कहिंदे है अपने फर्जां नूं भुला देना। सतगुरु कहिंदे किधर दा न्याय है, जे फर्जां नूं भुलाओगे तो फिर इदां दी दुर्दशा हुंदी रहनी है। बाबर ने झोके सलाम करके आख्या, कहन लग्या महाराज फकीर आशीर्वाद दिओ कि मेरा राज भाग बनिया रहे। महाराज कहन लगे, जिन्ना चिर न्याय करेगा उन्ना चिर राज भाग कायम रहेगा। सतगुरु की पवित्र गुरबाणी का भी वचन है, राजे चुली न्याम की, राजे का फर्ज है न्याय करना। सतगुरु कहिंदे न्याय करेगा राज भाग बनिया रहेगा, न्याय नहीं इंसाफ नहीं तो राज भाग खत्म हो जाया करते है। कहन लग्या, महाराज मैं आप जी नूं रिहा करदा। सतगुरु कहिंदे कल्ला मैनू नहीं, यह जिहड़ी प्रजा नूं पकड़िया होया इन्हां नूं भी छड्डना पैणा। गुरु नानक साहब महाराज जी के कहन के उपर उस बाबर ने वह सारे पकड़े हुए कैदियों नूं रिहा किया। और सच यह है, इतिहास के पहली वार बंदी छोड़ गुरु नानक साहब महाराज है जिन्हें बाबर की जेल के सारे कैदियों नूं रिहा करवाया। तो मेरे गुरदेव उस बाबर के बारे कहिंदे ने, सतगुरु कहिंदे आवण 78 है जान 97 होर पीउड़ सी मर्द का चेला। आवण 78 का भाव 1521 के भारत के बाबर का राज कायम हुंदा पिया है। सतगुरु कहिंदे ये 21 दे विच आया, आवण 78 का पा 1578 पा बिक्रमी की गल, बिक्रमी संमत। सतगुरु कहिंदे जान 97 समा आएगा वह बाबर का बनिया राज भाग, भाव हमाजू जिहड़ा है वह शेर शाह सूरी के कोलों हार खा के 97 दे विच वापस गया सी, भाव 1540 दे विच वापस गया सी। सतगुरु कहिंदे बनिया आया भी है, ये चलिया भी जाएगा। सतगुरु ने उत्थे होई दुर्दशा नूं अपनी जिथे पवित्र गुरबाणी में बयान किया, उत्थों दे लोकां नूं सतगुरु ने दिलासा दिता, उत्थों दे लोकां ने लोकां नूं सतगुरु साहब जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु का शुकराना करन वास्ते रब दे गुण गाउण